नमस्कार, मैं अतप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। एक नज़र मुख्य समाचारों पर। कलबुर्गी के अलन मामले में हिरासत में रहे लोगों को मिली जमानत, आज हुए रिहा। बीदर में उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। यूक्रेन के मेडिकल छात्र 60 राज्य के कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखेंगे, कहा मंत्री के सुधाकर ने। भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर फैसला करेगा सरकार पैनल, मंत्री बीसी नागेश ने बताया। कल दोपहर 2:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे धामी, पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। पश्चिम बंगाल, जलाए गए घरों से मिले 7 शव, एक दिन पहले ही टीएमसी नेता की हुई थी हत्या। विपक्षी सदस्यों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा लोकसभा में उठाया, सदन से किया वॉकआउट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कलबुर्गी के आलन में पिछले दिनों हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार मुस्लिम समुदाय के लगभग 160 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके तहत बीदर और कलबुर्गी की जेल में इन्हें रखा गया था, जिसके लिए कलबुर्गी के वकीलों का एक पैनल जिसमें एडवोकेट जाकिर उस्ताद, सैयद मजहर हुसैन और नागेंद्र के साथ एडवोकेट तलहा हाशमी ने इन सभी की जमानत के लिए अदालत में गुहार लगाई थी। इसके चलते कल अदालत ने इनकी जमानत मंजूर की थी। शाम देर होने के कारण इन्हें रिहा नहीं किया गया था। आज इन सभी को जेल से रिहा किया गया है। इस अवसर पर रिहा होने वालों ने सभी का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट तलहा हाशमी ने बात की। इस बीच रिहा होने वालों को उनके घर आलन तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी की गई। केपी चैनल के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मैं पहले तो जनाब जाकिर उस्ताद साहब का और जनाब सैयद मजहर हुसैन साहब का और नागेंद्र सर का, जो हमारी टीम के एडवोकेट्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आलन के केस में 160 लोग बेगुनाह फंसे हुए थे, उनकी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और बिलोस और किसी भी फाइनेंशियल एड के बिना ये काम करने की जिम्मेदारी ली। मैं उनका तहे दिल से सारे बिदर के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि आप मेरे से पहले सुन चुके हैं कि इस कार्रवाई क्या है, आज वो लोगों का रिलीज ऑर्डर लेके हम आलन के जितने लोग बिदर में फंसे हुए हैं उनको रिलीज़ कराने के लिए खुद जाकिर सर, जो सीनियर एडवोकेट हैं गुलबर्गा के, और सैयद मजहर हुसैन सर, दोनों मिलके यहाँ पे रिलीज कराने के लिए आए थे। बीदर शहर में उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर शहर के एक निजी होटल में कल्याण कर्नाटक उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन याराने ने अदाब द्वारा 200 साल का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर कर्नाटक उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और याराने अदब के कार्यदर्शी मोहम्मद यूसुफ रहीम ने बात करते हुए उर्दू पत्रकारिता का इतिहास बताया। इस अवसर पर श्रीकांत स्वामी, मोहम्मद नईम, ख्वाजा फरीदुद्दीन ईमानदार, नसीन हमजा अली और अब्दुल खादिर लश्करी आदि उपस्थित थे। हमारे संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। उर्दू पत्रिका के और ये इस उर्दू पत्रिका के जीवन में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि बीदर में जो पत्रिका निकली वो 1907 को 1907 ईस्वी में आई, जिसका नाम था बीदर गजिट। महर अली उसके एडिटर थे। तो इस तरह से बीदर में उर्दू पत्रिका के 115 साल हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में 200 साल हो रहे हैं। अब इस सिलसिले में हम आपसे जो बात ख़ास तौर पे मैं मैसेज में बोलना चाहता हूँ वो ये कि जो पहली पत्रिका निकली वीकली, उसको निकालने वाले नॉन मुस्लिम थे। हरिहर दत्त उसके मालिक थे, हरिहर दत्त, और उसके एडिटर थे मुंशी सदा सुख। उसके बाद जो दूसरी पत्रिका निकली वो पत्रिका को भी नॉन मुस्लिम ने निकाला। और उस ज़माने में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, 1822 की बात हम कर रहे हैं, तो तब बहुत से नाम हमको आते हैं और वो नाम जो हैं अवध अखबार, मुंशी नवल किशोर। मुंशी नवल किशोर बहुत बड़ा नाम है। मुंशी नवल किशोर उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस के आदमी थे। आज भी बीदर में हो या कहीं और हो, प्रिंटिंग प्रेस से नॉन मुस्लिम का बड़ा ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस से होता है। मुंशी नवल किशोर कुरान छापते थे और बिल्कुल नहा के स्नान करने के बाद कुरान छापते थे। उनके पास से कुरान छपती थी और पूरे इंडिया में बढ़ती थी। उनसे बड़ा कोई प्रिंटर नहीं था उस ज़माने में। तो मुंशी नवल किशोर अवध अखबार के एडिटर थे। तारीख बगावत हिंद मुकुंद लाल ने निकाला
हफ्त रोज़ा वीकली खैर खुदा खल्क मुंशी अयोध्या प्रसाद थे, फवायदुल नाजरीन मास्टर रामचंद्र ने निकाला, शेर पंजाब सरदार अमर सिंह ने निकाला, शांति पंडित किशन चंद्र मोह ने निकाला, कोहनूर लाहौर का बहुत बड़ा, उस ज़माने में लाहौर इंडिया ही था ना, उस ज़माने में कोहनूर बहुत बड़ा अखबार था, उसके एडिटर थे मुंशी हर सुखन लाल, मरातुल अखबार राजा राम मोहन राय निकाला करते थे, इसी तरह संसार और रोजनामा हिंद के एडिटर रामलाल थे। कर्नाटक यहाँ रीति महत्व इधे अदे रीति बेरे बेरे राज्य तम तम भाषे मेले प्रमुख इतमारे अदरते उर्दू भाषे कूड़ा इल्ली प्रकार उर्दू भाषे पत्र ओद सर अदर सल उर्दू भाषे पत्रिके ना भाला नोड़ीन सर ना कोविड समय केसाग आफेक्ट भाला चेना अंदर अब विपरीत परणाम बीरी इल्ली नम कन्नड भाषेयल्लि अथवा बेरे ओंदु भाषेयल्लि पत्रिकेगळन्नु नम्मल्लि प्रकट आग्तव अदरल्लि एल्ल न्यूस् करेक्ट आगि बर्ता इत्तु आदरे उर्दू भाषेदवरिगे आ समाचार मुट्ताने इद्दिल्ल आवाग अवरु उर्दू भाषेदवरु इल्लिन एनेनु आग्ता इदे अन्नोदु अवरिगे मुदुसलिक्के बर्ता इद्दिल्ल मत्तु पत्रिका गोष्ठिगळिगे करेदरु कूड उर्दू भाषेदवरिगे अष्टु महत्व कोड्ता इद्दिल्ल अदरिंद अवरु आ सिटिदिंद होरगे बंदु पत्रिका गोष्ठि माड्लिक्के अनुवु माड्कोट्टिल्ल ओंदु समयदल्लि नानु आवाग उर्दू भाषिकरु ओळगिंद बीदर शहर की संगमेश्वर कॉलोनी में मोहम्मद यूसुफ के घर कल देर रात चोरी हुई। इसकी सूचना शहर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन में देकर शिकायत दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए स्टेशन के सर्कल ने चोरी हुए घर का जायजा लिया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता असलम खान ने मोहम्मद यूसुफ से बात करते हुए नुकसान के संबंध में बताया। हमारे संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मैं संगमेश्वर कॉलोनी में रहता हूँ, कुछ काम की वजह से मैं 4-5 दिन पहले हैदराबाद गया था, आज आया मैं, आके देख रहा हूँ क्या बाहर के गेट खुल लॉक है, अंदर का पूरा खुला है घर, ताला वाला तोड़ को फेंक दी इधर उधर, वो देख के मैं AKP न्यूज़ वालों को बोला हूँ और पुलिस में भी कंप्लेन करूँ, वो लोग भी आ रहे हैं बोल के बोले शायद आई एम वेटिंग फॉर देम बस। और मालूम हुआ ऐसा? मेरे को मालूम नहीं हुआ, मैं अपना अपना आ गया वहाँ से, आने के बाद यहाँ ऐसा देखा मैं, उस लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? 8 साल से रह रहा हूँ मैं। तो ये चोरी कितने बार हुई अब तक? हाँ वहाँ पिछले घर में 1-3 महीने पहले हुई थी। हाँ। हमारे घर में फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आपके घर में फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम है। तो लॉक कौन सा तोड़े हो? वो मेन गेट का अंदर का, अंदर के गेट का लॉक तोड़े, बाहर का ताला वैसे ही है जैसे का वैसा, अंदर का तोड़े, उधर का बैक डोर से चले गए शायद ऐसा लगता है। आज बीदर शहर में रहे वन विभाग का गार्डन में जहां लोग इस गर्मी के मौसम में कुछ राहत पाते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वातावरण को अपनी बुरी आदतों से बिगाड़ देते हैं। ऐसा ही आज इस गार्डन में हुआ। दोपहर में लगभग 3 बजे अचानक गार्डन के एक बाग में आग लग गई। हालांकि इस आग से कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गार्डन में रही सूखी घास जल गई। इस पर कर्मचारियों ने कार्यवाही कर आग को तुरंत बुझाया। हमारे संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज बीदर शहर के एक निजी होटल में कांग्रेस द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस राज्य अध्यक्ष DK शिवकुमार ने किया। इस अवसर पर KPCC कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे, विधायक रहीम खान, राजशेखर पाटिल, विधान परिषद सदस्य व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। हमारे संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ना इवतेला कांग्रेस पक्ष सदस्य नम कार्यकर्त मुखंड मन ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक सरकार 700 मेडिकल छात्रों की मदद करेगी जो युद्धग्रस्त यूक्रेन से राज्य में लौटे हैं। 60 मेडिकल कॉलेजों में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने विधानसभा में छात्रों के साथ बैठक के बाद कहा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों को आधिकारिक तौर पर कॉलेजों में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि विशेष रूप से किया जाएगा और छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने पर फैसला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गुजरात राज्य के समान भगवद गीता को शैक्षिक विशेषज्ञों से परामर्श के बाद कर्नाटक में पेश किया जाएगा। समिति के गठन के बाद इस मामले पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और विभिन्न शिक्षा विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।
सुपारी का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इसके लाभों का पता लगाने के लिए शोध किया जा रहा है। विधानसभा में बोलते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा कि हाल ही में एक लोकसभा सांसद द्वारा सुपारी पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिए गए बयानों ने किसान समुदाय में दहशत पैदा कर दी है। कर्नाटक राज्य सुपारी टास्क फोर्स के प्रमुख ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस तरह के बयानों से फसल की कीमत पर प्रभाव पड़ा है। टास्क फोर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद द्वारा की गई टिप्पणी के बाद केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल ने एक याचिका दायर कर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सुपारी के बारे में कोई बयान जारी नहीं करने का आग्रह किया। विधानसभा ने सोमवार को दो विधायकों को पारित किया, जिनमें से एक जेलों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। कर्नाटक जेल विधेयक जेल के अंदर मोबाइल या संचार के किसी भी साधन के उपयोग को दंडित करता है और अपराध में 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा जो कैदी अपनी पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करने में विफल रहते हैं, उन्हें विधेयक के अनुसार घोषित अपराधी माना जाएगा। पैरोल छोड़ने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। पैरोल पर कैदी के लिए जमानतदार रहने वाले व्यक्ति को भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक की अवधि के लिए कैद किया जा सकता है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाया जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखें अन्य समाचार। इस सोशल मीडिया के युग में जहां आज छोटा सा छोटा हादसा, खुशी के पल सोशल मीडिया पर साझा जाता है, जिससे आज कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती, ऐसे में सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के 19 वर्षीय प्रदीप मेहरा, जो मैकडॉनल्ड में काम करता है, जो हर दिन देर रात अपने काम से अपने घर 10 किलोमीटर दौड़कर लौटता है, उसका कहना है कि ऐसा कर वह सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा है। उसकी माँ का इलाज चल रहा है, वह अपने बड़े भाई के साथ रहता है। इस पर हमारी एंकर आत्मप्रिया आर्य का मानना है कि इस दौर में भी ऐसे युवक हैं जो अपने परिवार के प्रति फर्ज पूरा करते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदीप से अन्य युवा को प्रेरित होना चाहिए। छोड़ देता हूँ मैं तुमको, ना, ना, मैं
तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ से काम, कहाँ काम करते हो? मैगडी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ने का टाइम अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दोपहर 2:30 बजे अपने कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी के अलावा शपथ ग्रहण समारोह में 5 से 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कल दोपहर उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, उसके बाद 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरा हाट में मंगलवार को आग से नष्ट हुए कुछ मकानों से 7 लोगों के जले हुए शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। ये घटना सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के पंचायत स्तर के एक नेता की कथित हत्या के बाद हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामपुर हाट शहर के बाहरी इलाके में स्थित बोकतुई गांव में घरों में अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि दमकल विभाग के एक अधिकारी ने दावा किया कि घटनास्थल से 10 जले हुए शव बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि बरशाल गांव के पंचायत उप प्रमुख एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख का शव सोमवार को इलाके में मिला था। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जनपद शामली के कैरा नगर में नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए गए प्याऊ में पानी के न आने से नगर वासियों में रोष दिखाई दिया है। वहीं नगर वासियों ने नगर पालिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले लगभग 1.5 साल से ठप पड़े प्याऊ में पानी के न आने से लोगों को पानी पीने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्याऊ में पानी के न आने से प्याऊ केवल सिनेमा घरों के पोस्टर लगाने के लिए ही काम आ रहे हैं। इस ओर नगर पालिका किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर नगर वासियों ने नगर पालिका के प्रति नाराजगी जाहिर की है। ईंधन और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ मंगलवार को विपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा में प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। शून्यकाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां पहले से ही दावा कर रही थी कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके और वाम दलों के सदस्यों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ अपनी सीटों से नारेबाजी की और कीमत वृद्धि वापस लेने की मांग की। पंजाब में अब शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के दिन यानी 23 मार्च को अवकाश रहेगा। राज्य के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस छुट्टी का ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस अवसर पर पंजाब के लोग, बड़े और बच्चे भगत सिंह के गांव खटकर कला जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। देखते हैं समाचार फिल्मों के। RRR टीम कर रही है देश के अलग अलग शहर का दौरा। जयपुर पहुंचे जूनियर NTR रामचरण राजमौली। समाचार खेल जगत के। महिला विश्व कप पर पीएम नरेंद्र मोदी की भी नजर। ऑस्ट्रेलिया पीएम को दी बधाई। देखते हैं समाचार बाजार के। आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार। दूध, चीनी, दाल से लेकर तेल की कीमत में लगी आग। किसी ने पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस पर बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100, 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल 1000 के पार भागा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कलबुर्गी के अलन मामले में हिरासत में रहे लोगों को मिली जमानत, आज हुए रिहा। बीदर में उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। यूक्रेन के मेडिकल छात्र 60 राज्य के कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखेंगे, कहा मंत्री के सुधाकर ने। भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर फैसला करेगा सरकार पैनल, मंत्री BC नागेश ने बताया। कल दोपहर 2:30 बजे CM पद की शपथ लेंगे धामी, PM मोदी भी हो सकते हैं शामिल। पश्चिम बंगाल, जलाए गए घरों से मिले 7 शव, एक दिन पहले ही TMC नेता की हुई थी हत्या। विपक्षी सदस्यों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा लोकसभा में उठाया, सदन से किया वॉकआउट। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।